दोस्तों होम स्टे एक बढ़िया जगह होता है किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रहने के लिए, और बांग्लादेश में मैं इस बार रहा हूँ एक होम स्टे में। मीन्स होम स्टे का मतलब होता है जो लोकल्स होते हैं, लोकल उन लोगों के घर में रहना। तो एक्चुअली होटल में रहने कोई बुराई नहीं है, बट होम स्टे मेरा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि होम स्टे में रहने से यू कैन कम टू नो, आपको पता चल जाता है एक्चुअली जो लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, लोकल लोग बात करने के अलग से मज़ा आता है। तो बांग्लादेश में ऐसे ही मैं एक भोला शौदर में एक होम स्टे में रह रहा हूँ, एंड दिस इज माई ही इज़ माई होस्ट फैमिली दीपक जी। और कैसा ये रूम है, होमस्टे के रूम में एक ट्रेडिशनल बांग्लादेश का रूम कैसा होता है, कितना अलग होता है इंडिया का रूम और दूसरे देश का रूम के साथ, इन लोग का कल्चर इस रूम के साथ कैसे जुड़ा होता है, वो भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए विदाउट एनी एनी टाइम झट से शुरू करते हैं। कैसे अपस्टेयर में मैं आता हूँ वो पहले दिखाते हैं, और बाकी का रूम टूर भी आपको जल्दी से करवा देता हूँ। एक्चुअली मेरा रूम है फर्स्ट फ्लोर में। अगर फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हो ऐसे आपको एक लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर आपको चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर है, ये पूरा लकड़ी से बनाई हुआ सीढ़ी है, इट इज़ नॉट मेड ऑफ मेटल और स्टील। और ऐसे आप ऊपर जाओगे तो ये मेरा ऊपर का ये रूम है, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द रूम। और ये है वो घर जिस घर में मैं रह रहा हूँ, एक टिपिकल बांग्लादेशी कल्चर का एक रूम आप देख सकते हो। यहाँ पर ये पूरा जो वॉल है दैट इज़ मेड ऑफ टीन, टीन से बनाया हुआ, ये लकड़ी से लकड़ी का बीम दिया हुआ है, और ऊपर भी शायद ये टीन है, टीन से दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो बंक भी है, जहाँ पर कपड़े रखने के लिए, दूसरी चीज़ रखने के लिए एक बंक है, और इस बंक का पूरा जो मटेरियल है ये लकड़ी से बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ये पर एक कपड़े सुखाने का रखने के लिए एक दरी भी लगाया गया है, रोप है। यहाँ पर मैं मेरा ड्रेस थोड़ा सा इसको मैं धोकर यहाँ पर रख दिया है इसको सुखाने के लिए। और ये मेरा जो होस्ट फैमिली का जो दीपक जी है, ये दीपक पॉल का ये एक्चुअली ये बंदा बैठा है। अच्छा यहाँ पर मैं सोता हूँ, दिस इज़ माई बेड। इस बेड में देख पास आप देख सकते हैं बहुत ही पुराने ज़माने का एक ट्रंक है। पहले होता है ना ट्रंक में लोग चीज़ रखते थे, तो मेरा मैं ट्रंक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो बैग ही है, बैग में ही आई एम कीपिंग ऑल दिस थिंग। दिस इज़ माई बेड भैया। बेड के एकदम नीचे अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक फैक्ट्री चल रहा है, यहाँ पर मिट्टी का जो मूर्ति बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति है, और ये मूर्ति है गणेश जी का ही, मेनली मूर्ति सामने गणेश पूजा है, गणेश पूजा के लिए ये सब मूर्ति बनाया जा रहा है हाथ से ही। और ये है शायद चैतन्य महाप्रभु, ओके चैतन्य जी का ये मूर्ति, छोटे छोटे मूर्ति आप देख रहे हो। यहाँ पर पूरा इंतजाम घर में देखो, ये मेरा रूम जहाँ पर मैं सोता हूँ, ये है नीचे जहाँ पर पूरा फैक्ट्री चल रहा है, और ये है छाछ। ये सब छाछ के थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, ये सब छाछ है, इसमें अंदर मिट्टी को डाला जाता है जो थोड़ा सा क्ले होता है जिसको, और ये जो मूर्ति का पूरा एकदम शेप ऊपर पे आता है। और ये दीपक जी पूरा काम करते हैं, जब से मैं आया हूँ सुबह शाम रात भर ही डज दिट्स। ओके देखता हूँ, ये भी एक मूर्ति, ही इज़ मेकिंग अ मूर्ति भैया, ये भी गणेश जी का एक मूर्ति है देख सकते हो आप। ओके अच्छा दीपक जी कोटा कोटा मूर्ति रो माना है तुम्हें टोटल? अच्छा 225-30 230-25 मूर्ति ये बनाने वाला है। ये पीछे का, ये पीछे और एटा पेछने रो लागानोर जिनिस ना। ओके ये पीछे जो होता है ना जस्ट लाइक देव देविया का पीछे एक जो सिंहासन टाइप ऑफ रहता है, ये पीछे का चीज़ वो देखो यहाँ पर सुखाने के लिए दिया गया है। और एक फ़ैन भी है मेरे सर के ऊपर, जब भी मेरा गर्मी लगता है आई स्विच ऑन द फैन। सब कुछ यहाँ पर एक खिड़की है, खिड़की से आप बाहर देख सकते हो। ये मेरा एकदम बेड के पीछे एक दूसरा अब देखो खिड़की है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडे हवा आते हैं। और भी एक खिड़की है, आई एम नॉट ओपनिंग इट। एक मिरर भी वहाँ पर रखा हुआ है दैट आई एम नॉट यूजिंग। लाइट तो ज़बरदस्त है, ट्यूब है, ये एक लाइट है, ये एक लाइट है। सो ये सब मिलाकर मेरा ये ओवरऑल रूम है जिस रूम में मैं रह रहा हूँ। और नीचे जो देखो, नीचे यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर ये भी लकड़ी से बनाया हुआ ये एक फ्लोर है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पर रहते हैं वी आर नॉट यूज टू विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट इस जगह पे आने के बाद, यहाँ पर रुकने के बाद फीलिंग आ समथिंग डिफरेंट।
सकते हैं। मैं जब मेघालय गया था बेसिकली चेरापूंजी वहाँ पर भी ऐसे होम स्टे में मैं रुका था, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट कल्चर यू कैन सी। और बांग्लादेश में भी आकर ये जो होम स्टे में मैं रह रहा हूँ, ये मेरा जो होस्ट फैमिली है इसके साथ जो रह रहा हूँ, बिलीव मी अ डिफरेंट कल्चर मुझको यू नो आई एम एन्जॉइंग, एक अलग सा माहौल में रहना एकदम। मैं रात को सोता हूँ यहाँ पर ये जो मूर्ति बनाने का जो काम चल रहा है ये सब होना, इसके साथ बात करना, डिस्कसिंग डिफरेंट इश्यूज एंड ऑल, तो ये लगभग एक अलग ही जगत है, अलग ही दुनिया है। तो दोस्तों ये होमस्टे वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।